तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लास 10 संस्कृत से मुसी बुक का चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा। क्लास 10 संस्कृत का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब आपके मन में होगा कि सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि नाटकांश में आपको दो ही चैप्टर पढ़ना है। एक है चैप्टर नंबर 4 शिशु लालनम और दूसरा है चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा। और ज़्यादा चांसेस है कि नाटकांश का जो क्वेश्चन आंसर है वह डेफिनेटली 100% इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इससे एक प्रश्न निर्माण भी पूछा जाएगा और एक वर्ड मीनिंग भी पूछा जाएगा। तो टोटल 7 नंबर का ये चैप्टर है, समझ रहे हैं बात को? तो इसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगेगा। तो पहले पूरा आपको, जैसा कि बता दिए कि पूरा एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिमुसी एक्सप्रेस चल रहा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारा नए पैटर्न पे वीडियो उसमें शेड्यूल्ड कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट, सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर है क्या, ठीक है? तो इस चैप्टर के माध्यम से स्टूडेंट हम सभी को, यानी कि हमको, आपको, सबको एक सीख मिलती है कि कैसे हम लोगों को नेचर में रहना चाहिए, ठीक है? और जब हम नेचर में सभी जानवर, इंसान सब आपस में अगर मिलजुल के रहेंगे तभी नेचर बचा रहेगा, वरना नेचर जो है यानी प्रकृति खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस चैप्टर से यह भी पता चलता है कि दुनिया में हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एक जानवर हो, अगर कुत्ता ही है, भैंस ही है, उसका भी महत्व है इस प्रकृति में और इंसानों का भी महत्व है। कोई इसमें बड़ा नहीं और कोई इसमें छोटा नहीं है, सबका बराबर बराबर वैल्यू है। उसके बाद दूसरा इसमें देखेंगे आपकी प्रकृति जो है वह सिर्फ नाम की नहीं है, प्रकृति हमारी माता है, ये नेचर हमारी माता है और हम जानवर, इंसान, पशु पक्षी सब जो है उनकी संतान है, ठीक है? और कैसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी के बारे में सीख इसमें मिलेगी। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि सभी जो प्राणी है यानी पशु पक्षी है आपस में राजा बनने के लिए लड़ाई करते रहते हैं, लास्ट में प्रकृति माता आके सबको समझाती है कि कैसे रहना चाहिए। तो उसके बाद सभी जानवर बोलते हैं कि वेल मम्मी जी, अब नहीं करेंगे हम लोग कोई झगड़ा इस दा, पहले होता था यहाँ बहुत लफड़ा इस दा। तो चलिए अब करते हैं स्टूडेंट चैप्टर को स्टार्ट। तो अभी जितना मतलब समझाए वो यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये समझने के लिए, ठीक? अब चलिए नाटक को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि ये नाटक वाला चैप्टर है, तो इसमें जैसे लाइट कैमरा एक्शन होता है वैसे ही इसमें लाइट कैमरा एक्शन है। तो सीन कुछ इस प्रकार का है। अब शब्दार्थ भी आपको लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे, तो आप सामने में बुक अगर खोल के रख लिए तो बहुत अच्छी बात है, पेंसिल भी निकाल लीजिए बउआ, और जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ वहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक? और जो बताए उसको लिख लीजिएगा, और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आज से पहले आप पढ़े हो ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमसे पढ़ते रहिए, 100 out of 100 आपका आएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वनस्य दृश्यम समीपे एवायका नदी वहती। तो शांति से समझिए संस्कृत, वनस्य दृश्यम समीपे एवायका नदी वहती, मतलब सीन कैसा है? तो एक वन का दृश्य है यानी कि एक जंगल का सीन है, और वनस्य दृश्यम वही जंगल का दृश्य है यानी जंगल का सीन है, समीपे मतलब पास में, एवायका मतलब एक, नदी मतलब नदी, वहती मतलब बहती है, यानी अभी सीन ऐसा है कि जंगल का दृश्य है और एक जो नदी है वो क्या कर रही है, तो बह रही है। ऐसा सीन आप बचपन में खूब देखते होंगे। सर कहाँ? नानी घर में सर। हाँ, नानी घर में। या आप छोटा भीम सीरियल देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब ढोलकपुर का जो ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं भीम लोग, तो एक जंगल रहता है फिर नदी बहती रहती है, याद है? वही वाला समझिए, वही सीन है, वन का दृश्य है और उसके समीप क्या है यानी पास में एक नदी बह रही है। एक सिंह सिंह सुखेन विश्रामयते तदैव एक वानर आगत्य तस्यम पुक्षम धुनाती। एक सिंह का मतलब हो गया कि एक शेर सुखेन विश्रामयते, मतलब कि सुखपूर्वक क्या कर रहा है, तो विश्राम कर रहा है। तदैव एक वानर, तभी एक बंदर आगत्य यानी कि आता है, तस्य पुक्षम धुनाती और उस शेर का पूछ को क्या करता है, खींच देता है,
धुनाती का मतलब हो जाता है स्टूडेंट क्या, अभी आपको शब्दार्थ यहाँ पे लिख दिए, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा ठीक। धुनाती का मतलब होता है पकड़कर घुमा देना यानी कि खींच लेना। तो सीन क्या था कि जंगल का दृश्य था, एक नदी बह रहा था, एक जो शेर है, देखिए शेर अंकल यहाँ पे शांति से सोए हुए हैं, तभी एक बंदर अंकल आते हैं और क्या करते हैं, शेर जी का पूछ खींच देते हैं। अब मान लीजिए कि आप ही कोई शेर का पूछ खींच दे तो शेर तो क्रोधित हो जाएगा। जी सर। तो क्रुध सिंह तम प्रहतुर मिक्षति परम बानरस्तु कुद्रित्वा वृक्षा मारूढ़। अब जो शेर रहता है वह क्या हो जाता है, तो क्रुध हो जाता है, मतलब कि गुस्सा में हो जाता है। प्रहतुम का मतलब हो गया कि मारने के लिए। तो शेर क्या करता है, जो शेर जिसका पूछ यहाँ पे खिंचाई हो रहा है वह शेर का क्या हो जाता है, तो प्रहतुम हो जाता है, मतलब कि एकदम मारने के लिए आतुर हो जाता है कि इस बंदर अंकल को मार ही देना है। इच्छति का मतलब हुआ इच्छा करता है। परम वानर अस्तु यानी वानर, परम मतलब बिकॉज, वानर यानी कि बंदर, कुर्दित्वा वृक्षामरूढ़, तो कुर्दित्वा का मतलब हुआ कूद के, वृक्षा, वृक्षा यहाँ पे संधि हुआ है, वृक्षम और आरूढ़ अलग है, इसका पूरा का मतलब होता है पेड़ पे चढ़ गया। जैसे ही शेर अटैक करने का सोचा, मारने के लिए सोचा, तभी जो बंदर है वो कहाँ चल गया, पेड़ पे चढ़ गया, क्या पूछ खींच कर। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरह वानरसिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षो परि आरोहिति। तभी क्या होता है स्टूडेंट, तभी क्या होता है, जब देखिए शेर अंकल क्या करते हैं कि इस बंदर को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो ये बंदर क्या होता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात्, तभी क्या होता है कि अचानक कहाँ से, तो वृक्षात् यानी कि दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर आता है। अप्रवान रसिंह से कर्णमाकृष्य, कर्णमाकृष्य का मतलब हो गया कान खींच कर, क्या करता है, तो पुनः वृक्षों पर ही आरोहिती, दोबारा क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर। देखिए कहानी समझिए, कहानी क्या है, जंगल का एक सीन है, नदी वहाँ पे बह रहा है, तभी एक शेर सोता रहता है, एक बंदर आकर पूछ खींच कर पेड़ पे चढ़ जाता है। अब शेर कोशिश करता है कि उसको मार दे, तब तक में दूसरा बंदर कोई और पेड़ से आकर क्या करता है, शेर का कान खींचकर फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। कुल मिलाकर बंदरों की जो टोली है वह शेर चचा को परेशान करती रहती है। एवमेव वानर वारम वारम सिंह तुदंती, तुदंती का मतलब हुआ तंग करता है। इसी तरह बंदर जो है, वानर देखिए बहुवचन है, इसी तरह बहुत सारे बंदर वारम वारम यानी कि अगेन एंड अगेन शेर को क्या करते रहते हैं, तो परेशान करते रहते हैं। अब मान लीजिए शेर को परेशान कीजिएगा तो शेर तो चुपचाप बैठेगा नहीं, क्योंकि शेर तो भाई कमजोर है नहीं। जी सर, कमजोर होता है शेर नहीं, तो शेर क्या करता है सुनिए। क्रुध सिंह मतलब कि क्रोधित शेर इतस्तत धावती, अभी अव्यय में पढ़ाए, इतस्तत का मतलब क्या हुआ, इधर उधर धावती, यानी कि जो क्रोधित शेर रहता है वह इधर उधर क्या करता है, दौड़ता रहता है। गर्जती, गरजता भी है ऐसे। परम किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति, लेकिन बेचारा शेर पेड़ पे तो नहीं चढ़ता है, चढ़ पाएगा, इसलिए वो कर्तुम असमर्थ मतलब कि कुछ भी करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है, मतलब कि कुछ भी करने के एबल नहीं रहता, इसलिए वो क्या करता है, वहीं पे लाचार बेचारा खड़ा रह जाता है। अब मान लीजिए कि शेर पेड़ पे तो नहीं चढ़ेगा, बंदर सब तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ पे चढ़ जाता है। वानर असंति वृक्षों परी च विविधा पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृश्यम दशाम दृष्ट्वा हस्तमिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। अब जब बंदर जो है बार बार इस तरीके का करते हैं शेर को परेशान, और शेर जो है परेशान हो जाता है, तब बंदर सब क्या करता है, जितने भी बंदर रहते हैं वह वृक्ष पे चढ़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, तो हसंति मतलब हंसते हैं, किस पे, शेर पे हंसते हैं। अब जैसे ही बंदर हंसते हैं तो वृक्षों परी च विविधा यानी कि वृक्ष में, वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षी ने यानी कि बहुत प्रकार की, जंगल है तो भाई बहुत प्रकार का पक्षी होगा, कबूतर, कौआ, चील, बगुला, सब जो है वो भी क्या करता है, तो अपि सिंहस्य एतादृश्यम मतलब कि अपि सिंहस्य एतादृश्यम सॉरी अपि सिंहस्य एतादृश्यम यानी शेर की इस सिचुएशन को देखकर वो पक्षी भी क्या करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और आपस में चहचहाट करते हैं। अब बहुत सारे पक्षी एक बार में बोलते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं सुबह में ऐसे ऐसे होता कि इसी प्रकार का जो वहां पे सीन है वो हो जाता है। तो ये हुआ पहला सीन आपका समाप्त। यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। एक बार और समझा दे? यस सर।
तो जैसा कि आपको पता है कि नदी का सीन है, सॉरी जंगल का सीन है, नदी वहाँ से बह रहा है, शेर को परेशान किया जा रहा है, और शेर को परेशान होते देखकर कभी कोई बंदर क्या कर रहा है, कान खींच दे रहा है, कभी कोई पूंछ खींच दे रहा है, और सभी पक्षी जो है वो शेर पे देख के हंस रही है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब शेर जो था क्या कर रहा था, शेर अंकल आराम कर रहे थे। तो अब शेर जो है आराम कर रहे थे, उसके बाद का यहाँ पे स्टूडेंट आपको बताते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि निंद्रा भंग दुखेन वन राजा, यानी निंद्रा भंग 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 दुखेन का मतलब ये हुआ कि निंद्रा मतलब नींद भंग हो जाने पे। अब मान लीजिए कि आप ही सो रहे हैं और आपको आके कोई एक एक चाटी पीछे से मार दे, तो आपका तो नींद टूट जाएगा। तो नींद टूटने पे वन राज मतलब शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है, इसलिए वन राज का यूज हुआ। नींद टूटने पे सन अपि तुक्ष जीवे आत्मन एता दृश्य दुरवस्थाया श्रांत सर्व जंतु दृष्टवा पुक्षति, यानी कि जैसे ही शेर का नींद टूट जाता है, शेर परेशान हो जाता है, तो शेर जो है क्या करता है, तो सन अपि तुक्ष जीवे, अब शेर के सामने तो सब तुक्षे प्राणी है, कमजोर है, तो सभी से ऐसी सिचुएशन पे क्या करता है, तो सबसे पूछता है, कौन शेर जो है सबसे पूछता है। श्रांता का मतलब हुआ थका हुआ शेर, सर्व जंतुम का मतलब हुआ सभी जीवों से दृष्टवा यानी कि देखकर, पिक्षति यानी कि सभी जीवों को देखकर शेर क्या करता है, पूछता है। सर क्या पूछता है वो आगे लिखा हुआ है। अब हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को दे दिए हैं ताकि आप लोग गो को कोई दिक्कत ना हो, टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक, और शब्दार्थ भी दे दिए। अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे शेर क्या कहता है, सिंह कहता है कि क्रोधेन गर्जन, तो ये कहता नहीं है, मतलब इसका मतलब हो गया क्रोधेन का मतलब क्रोधित होकर यानी गुस्से में, गर्जन का मतलब हो गया गरजता है, यानी शेर जो है खूब गुस्से में गरजता है, और भो यानी कि भो का मतलब होता है अरे, ये संबोधन हुआ। शेर जो है सभी प्राणी को जितने भी जंगल के हैं उनको बोलता है, जैसे आप स्पीच देते हैं स्कूल में तो बोलते हैं ना, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, मैडम्स एंड माय डियर स्टूडेंट, बोलते हैं ना, यस सर, तो उसी तरह शेर भी बोलता है। भो शेर कहता है कि अहम वन राजा किम भयम न जायते, शेर सभी प्राणी को कहता है कि अहम यानी कि मैं वन राज हूँ यानी कि जंगल का राजा हूँ, किम मतलब क्या, भयम न जायते, क्या तुम्हारे अंदर इस बात का भय नहीं है। किमर्थम मामेवम तुर्दंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम माम एवं का मतलब होता है मुझे इस प्रकार से तुम क्या कर रहे हो, तो तुदंती यानी कि तंग कर रहे हो, और सभी सर्वे मिलित भाई यानी कि सभी मिलकर तुम मुझे क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जो हूँ वन का राजा हूँ, मैं यहाँ का क्या हूँ, राजा हूँ। तभी एक बंदर बोलता है कि यत तो वन राजा भव तुम तू सर्वथा योग्य, यानी कि यत तुम त्वम यानी कि नहीं तुम जो हो, सॉरी यत मतलब क्योंकि तुम जो हो वन के राजा बनने योग्य नहीं हो, तुम अयोग्य हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है राजा बनने की। ये कौन कहता है, ये बंदर कहता है। बंदर इस पे कहता है कि राजा तू रक्षक भक्ति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तू भक्षक, लेकिन भवान का मतलब आप अभी अशुद्धि अनुवाद में पढ़ा है, इसीलिए तो ग्रामर पहले पढ़ा है। जो बच्चा नए नए पहली बार इस पे आए हैं, प्लीज आप प्लेलिस्ट से ग्रामर का वीडियो देख लीजिएगा, इतना जीरो लेवल से पढ़ा है ना कि मजा आ जाएगा। तो उसी पे कहता है बंदर कि भवान तू भक्षक, आप तो भक्षक हैं, यानी राजा क्या होता है, प्रजा का रक्षा करने वाला होता है, लेकिन आप तो भक्षक हैं, आप क्या करते हैं, हमें ही खा जाते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि शेर जो होता है जंगल के ही प्राणी को खाता है, तो वही बंदर कहता है कि भाई राजा तो प्रजा का रक्षा करता है, लेकिन तुम तो हमें खा जाते हो। अपि च स्वरक्षायामापि समर्थ, और अभी तो तुम अपनी रक्षा हमसे खुद कर ही नहीं रहे हो, तो तुम तहरी कत समान रक्षसि, यानी कि तू हमारी रक्षा कैसे करोगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अभी जैसे कि आप देख रहे थे कि बंदर शेर को परेशान कर रहा था, फिर भी शेर अपना रक्षा कर पा रहा था नहीं, कभी पूंछ खींच दिया, कभी कान खींच दिया, ठीक, और शेर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ गरज रहा था। तो उसी पे बंदर कहता है कि अपना रक्षा तो करिए नहीं रहा है, तो हमारा रक्षा तुम कैसे कर देगा, ठीक। उसके बाद सभी बंदर जो है वो कहते हैं, सभी बंदर सॉरी अन्य वानरा का मतलब हुआ कोई और बंदर कहता है कि किम न श्रुता त्वम पंचतंत्र युक्ति, किम न श्रुता, क्या तुमने वह पंचतंत्र की युक्ति नहीं सुनी है, पंचतंत्र एक किताब था, समझे स्टूडेंट। तो वही बोलते हैं, एक बंदर जो है शेर अंकल को बोलते हैं कि क्या तुमने पंचतंत्र की वो कहावत नहीं सुनी है, तो कौन सी कहावत, तो कहावत है कि यो न रक्षति मित्रस्थान पीड्या मान्य पैरे सदा जंतु
जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांत न संशय। वित्रस्तान का मतलब होता है स्टूडेंट विशेष रूप से डरे हुए प्राणी, ठीक है। आपको पीडिए मानान का मतलब होता है पीड़ित होते हुए को। पैरे का मतलब होता है दूसरों के द्वारा। जंतुम का मतलब होता है जीव प्राणी। पार्थिव रूपेण का मतलब होता है राजा के रूप में। और कृतांत का मतलब होता है यमराज। तो ये जो अन्य बंदर है जो एक बोला ये पंचतंत्र की युक्ति, वो बोलता है कि राजा तो वो होता है जो डरे हुए विशेष रूप से जो खूब ज़्यादा डरे हुए प्राणी है जंगल में उसकी क्या करता है रक्षा करता है, लेकिन तुम क्या करते हो रक्षा नहीं करते हो, इसलिए तुम क्या हो राजा नहीं हो, तुम साक्षात क्या हो भाई तो तुम कृतांत हो, मतलब कि तुम यमराज हो, इसमें कोई भी न संशय, मतलब इसमें कोई भी संशय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अन्य वानर जो है, मतलब एक वानर जो है दूसरा, वो कहता है कि तुम क्या हो, तो यो न रक्षति वित्रस्थान, तुम तो डरे हुए प्राणी की रक्षा करते ही नहीं हो, ठीक है, तुम तो डरे हुए प्राणी की रक्षा करते ही नहीं हो जो जंगल में और कोई कोई से डरा हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर सांप ले ले, तो सांप तो हमेशा निबला से डरा रहता है और शेर से भी डरा रहता है, तो वही बोला है कि तुम तो प्राणी की रक्षा करते ही नहीं हो, ठीक है, तुम तो और ऐसे भी तुम उसको मार के खा लेते हो, तो तुम राजा थोड़ी हो भूतनी के, तुम क्या हो कृतांत हो, तुम मतलब कि यमराज हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे कौवा कहता है, अब नाटक में कौवा एंटर हो जाता है, ठीक है, नाटक ही चल रहा है तो इसमें तरह तरह के जानवर आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है बउआ आ जाता है कौवा, उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि कौवा आ जाता है, कौवा कहता है कि आम सत्यम कथितम तोया, हाँ तुमने सच कहा, मतलब कि जो ये सब चलता रहता है बंदर और शेर का बातचीत, उस पर कौवा कहता है कि हाँ भैया तुमने बिल्कुल सत्य कहा, वस्तुतः वन राजा भवी तुम, तू अहमेव योग्य, और जंगल के राजा बनने के लिए कौन योग्य है तो अहमेव योग्य, यानी कि मैं ही जंगल के राजा बनने योग्य हूँ। तो यहाँ पे आपने कहानी में क्या देखा कि अभी बातचीत चल रहा है बंदर और इसके बीच शेर के बीच कि तू राजा बनने योग्य नहीं है तो तू नहीं है, अब बीच में कौवा आके एंट्री मार देता है कि कौन सही कह रहे हो तुम लोग, वास्तव में जंगल का राजा बनने का जो क्वालिटी है वह कौवा में ही होता है। इस पे जो कोयल है, कोयल यानी कि पिका, पिका का मतलब होता है कोयल, कोयल जो है उपहसन, उपहसन का मतलब हुआ मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कथम त्वम योग्यम वन राजा, कैसे तुम जंगल के राजा बनने योग्य हो, भवि तुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसी, अरे तुम कैसे जंगल के राजा बनने योग्य हो, यत्र तत्र मतलब कि यहाँ वहाँ काका इति हमेशा कर्कश ध्वनि यानी कि क्या लिखा हुआ ध्वनिना मतलब कि हमेशा अजब प्रकार का इरिटेटिंग आवाज निकालते रहते हो। आप देखते हैं ना कौवा का आवाज किसी को अच्छा लगता है क्या, करता है कि नहीं, निकालते रहते हो और पूरा जो वातावरण है उसको क्या कर देते हो, इसको तोड़ के पढ़िएगा, वातावरणम यानी कि इन्वायरमेंट, आकुली करोसी यानी कि आकुलित कर देते हो पूरे इन्वायरमेंट को, तुम क्या कर देते हो परेशान कर देते हो, न रूपम और तुम्हारे पास रूप भी नहीं है, एक नंबर के काले हो कलौठे हो, न ध्वनि निरस्ती और न ही तुम्हारे पास आवाज है, कृष्णवर्णम काले कलर वाले, मेध्या मेध्या भक्षम, मेध्या मेध्या भक्षम का मतलब हुआ कि जहाँ तहाँ कुछ भी खा लेते हो, त्वाम कथम वन राजा मन्या महे वयम, तुम कैसे वन के राजा बनने योग्य हो, ठीक है, और हम तुम्हें मन्या महे वयम कैसे तुम्हें जंगल का राजा मान लें। तो आप देखते हैं स्टूडेंट कि कौवा का यहाँ पे बुराई जो है कोयल के द्वारा किया जाता है कि तुम तो कुछ भी खा लेते हो, आप देखते हैं कौवा मेध्या मेध्या भक्षम करता है, कहाँ मन करेगा जो है जहाँ को कूड़ा कचरा में है वहीं पे खा लेगा, करता है कि नहीं करता है, यस सर। अब जो हम लाइन पढ़ाने जा रहे हैं ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को अव्यय में दिक्कत है ना, यस सर, तो जब भी सेमूसी बुक का पढ़ाई कीजिएगा तो अव्यय इसी बुक से पूछता है, देखिए कैसे आपको बताते हैं, देखिए तहरी आपके सिलेबस में है ना, जी सर अव्यय में, तो यही लाइन उठा देगा, तहरी यहाँ से गायब कर देगा और यही आपको दे देखिए अपी गायब कर देगा, तो यही लाइन पूछेगा, सर गायब कर देगा मतलब, देखिए गायब करने का मतलब ये हुआ
कि अव्यय का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और इस बार तो शायद सिंपल पेपर में भी दिया था कि यहाँ लाल कलर से रंग देते हैं, जरूरी बात है। ये देखिए यहाँ से यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है अव्यय का। इसमें क्या करेगा, अव्यय जो दो है ये यदि अतहरी को क्या करेगा, गायब कर देगा, और आपको भरना रहेगा, बाकी लाइन दे देगा। तो जब भी आप सेमुसी बुक पढ़े तो जितना भी अव्यय आ रहा है उसको अंडरलाइन करते चलिए। आप किसी का मन होगा कि सर ये अव्यय कौन सी चिड़िया का नाम है, मतलब सिलेबस का भी आपको ज्ञान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हुए हैं ना। संस्कृत में इतना अच्छा नंबर सबका क्यों आता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं तो भी एकदम जीरो लेवल से, ताकि सबको समझ में आए, और साथ में बोर्ड का भी स्ट्रेटजी बताते चलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अव्यय का लेक्चर जो है अभी दो दिन पहले पढ़ाए, तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें भी होगा, ठीक है। तब वो लेक्चर देखिएगा, तब क्या बोले समझ में आपको आएगा। उसके बाद कौआ कहता है, जैसे ही कोयल मजाक उड़ाती है तो कौआ कहता है कि अरे अरे, वो गाना नहीं चला था अरे अरे अरे, तो उसी पे कौआ कह मतलब रिलेट किए हैं, इसमें नहीं ले लीजिएगा। अरे अरे, कौआ कहता है कि अरे अरे किम जलपसी, मतलब कि अरे अरे किम जलपसी, जलपसी का मतलब हुआ कहना, बड़बड़ाना, मतलब कि अरे अरे क्या बड़बड़ाती हो। यदि अहम कृष्णवर्ण, कृष्णवर्ण का मतलब होता है काले कलर का, यदि यानी कि मैं काले कलर का हूँ, तहरी मतलब तो त्वम की गौरांग का, तुम क्या गोरी हो। अपि च विश्रमयते किम यत मम सत्य पीड़िता तू जाना नाम कृते, अपि च विष क्या लिखा हुआ, विस्मयते यानी कि भूल जाती हो, क्या तुम भूल जाती हो कि मेरी सत्य प्रियता का तो लोग एग्जाम्पल देते हैं, नहीं कहता है झूठ बोले कौआ काटे, यस सर। तो उसी पे ये कौआ बोलता है कि तुमको ये नहीं पता जब कोई लोग झूठ बोलता है तो मेरा ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से न डरियो, समास में के चली जाएगी संधि तू देखते रहियो, वही वाला है, वही लाइन ये बोलता है। उसके बाद उदाहरण स्वरूपा, मतलब कि कौआ जो एग्जाम्पल देता है कि अनितम वदसी चेत काका दसेत, क्या तुमने नहीं समझा है सुना है, अनितम यानी कि अगर तुम झूठ बोलोगे, वदसी मतलब बोलेगे, तो चेत काका दसेत, कौआ क्या करेगा, डस लेगा यानी कि काट लेगा, जो अभी आपको हम समझाए। इति प्राकीर्णे, अस्माकं परिश्रम एक्यम च विश्व परिथम, और तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरे परिश्रम का तो एग्जाम्पल विश्व में प्रसिद्ध है, क्या तो काक चेष्ट अपि च काक चेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, और जिस भी विद्यार्थी के अंदर क्या रहता है, काक चेष्टा रहता है, वो विद्यार्थी क्या माना जाता है, एकदम मेहनती माना जाता है। काक चेष्टा का मतलब हो गया क्या, कौए की चेष्टा वाला छात्र, यानी कि कौए की तरह मेहनती छात्र को ही असली छात्र माना जाता है वो विद्यार्थी। पंच लक्षणम याद है, काक चेष्टा बको ध्यानम, यस सर, स्वनिंद्रा, यस सर। तो वही वाला है कि काक चेष्टा, जिस भी विद्यार्थी के अंदर काक कौए के जैसी चेष्टा रहती है, वही विद्यार्थी क्या है, एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता है। तो फिर तुम जो है कैसे मुझको ऐसे कह रही हो कोयल, चलो कोयल बोली, कोयल क्या बोली सुनिए, कोयल बोली पिका यानी कोयल बोली कि अलम अलम अतिथि बितकेन, अलम अलम अति बितकथनेन, यानी कि अपनी अति बितकथनेन का मतलब होता है अधिक प्रशंसा करना या डिंगे मारना, अधिक प्रशंसा तुम अपना मत करो। किम विश्रमयते यत, अगर तुमको ये नहीं पता है, किम विषमयते का मतलब भूल जाती हो या भूल जाता हो, क्या तुम ये भूल जाते हो कि काका कृष्ण पिका कृष्ण, कौआ भी काला है कोयल भी काली है, को भेद पी काकयो, और दोनों में अंतर क्या है, भेद मतलब डिफरेंस क्या है, तो वसंत समय प्राप्ते काका काका और पिका पिका, और जब वसंत का सीजन आता है, ठीक है, तो काका कौआ कौए रहता है जैसे सालों भर, और कोयल जो है कोयल लहती है, मीठी मीठी गाना गाती है, कोयल सी तेरी बोली कु, ठीक है। तो कोयल जो है वो बसंत के समय मीठी मीठी गाना गाती है, और हमारी गाना तो आज इंस्टा रील में काम आता है, कैसी गई, ठीक। तो ये कोयल बोलती है, इंस्टा रील वाला नहीं बोलती है, लेकिन कोयल का गाना ही तो इंस्टा रील में बन सकता है ना, बना दीजिएगा एक ट्रेंड। तो इस पे जो है कोयल ये बात स्टूडेंट कहती है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है कौआ जो है इस पे कहता है काका, यानी कि कौआ कहता है कि रे प,
प्रवीरता, प्रवीरता का मतलब हो गया दूसरों पे पलने वाली, रे दूसरों पे पलने वाली, अहम यदि तब संतति न पाल्यामी, अहम यदि यानी कि मैं अगर तुम्हारे संतान को न पालू तहरी कुत्र से यूपी का तो कोयल कहाँ से आएगी, अतः अहम एव करना पड़े पक्षी सम्राट का कर, इसीलिए मैं क्या हूँ तो करुणा पड़े यानी कि मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौआ हूँ, मैं कौन हूँ तो पक्षियों का राजा कौआ हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट कि कौआ जो है अभी अपना दिमाग लगा देता है, अभी कौआ कहता है कि रे कोयल तुम्हारा संतान को तो हम ही पालते हैं और मैं ही सबसे दयालु हूँ, मैं क्या हूँ तो पक्षियों का राजा कौआ हूँ, मतलब जंगल का नहीं हूँ लेकिन पक्षी का राजा हूँ। अब इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पे आ जाता है हाथी। कौन आता है? हाथी आता है। हाथी कहता है गजब कि समीपत एवा गच्छेन अरे, यानी कि समीपत एवा गच्छेन, इसका मतलब हुआ कि हाथी पास आकर, ठीक है, समीपत का मतलब पास आकर क्या कहता है, एवा गच्छेन अरे, मतलब कहता है कि अरे अरे, मतलब सबको कहता है कि अरे 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 सर्वम संभाषणम सुनुन वनेवाहम अत्रागच्छम, और मैं जो हूँ यहाँ पर सर्वम संभाषणम यानी कि सर्वम मतलब सभी के भाषण को सुनकर क्या हूँ तो आ अत्रागच्छम यानी कि अत्र यानी कि यहाँ पर मैं आया हूँ। अहम विशाल काय, मैं जो हूँ क्या हूँ तो बहुत विशाल हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, हाथी का तो आप देख ही रहे शरीर कितना बड़ा होता है, बलशाली और मैं बलवान भी हूँ, पराक्रमी और मैं पराक्रम भी कर सकता हूँ, पराक्रमी भी हूँ, च का मतलब और, आपको पता है संस्कृत में और बाद में लगता है। उसके बाद कहता है कि सिंह वासयात अथवा अन्य कोपी वन्य पशुन तु तुर्दंतम जंतु महसोडेन पोथी अथवा मारिश्यामी, और यहाँ पे सिंह वासयात यानी कि शेर के अलावा दूसरा कोई भी आदमी नहीं है जिसके में दम हो कि वह क्या करे, हमको परेशान करे, अथवा अन्य कोपी मतलब कि वही जो आपको बताया कि हाथी ये बात सकारता है कि मुझसे मुझे मेरे जितना शक्तिशाली बस जंगल में शेर ही है, उसके बाद दूसरा कोई भी प्राणी नहीं है। वन्य पशुन तू तुदंतम, अगर कोई भी वन्य पशुन यानी कि कोई भी जंगल का व्यक्ति अगर मुझे क्या करता है तुदंतम यानी कि तंग करता है तो जंतु महसुडेन पोथी अथवा, यानी कि पोथी अथवा का मतलब होता है लपेट के, जंतु का मतलब होता है कौन, जीव यानी प्राणी को अपने सुर में लपेट के मैं क्या कर दूंगा, मारिश्यामी मार दूंगा, कोई मुझे तंग नहीं कर सकता है। और यह ये बात बताना चाहता है कि जंगल में दो ही तो भी बलवान है, एक हम है एक शेर है, अब शेर को तो परेशान कर दिया लेकिन हमको कोई नहीं परेशान करेगा, कि मने कोप्य सेती एतादृश पराक्रमी, और मैं क्या हूँ भाई तो मैं पराक्रमी हूँ, मेरे जैसा कोई भी वीर इस जंगल में नहीं है, अतः अहमेव योग्य वन राजपदाय, इसलिए अहमेव यानी कि मैं ही क्या हूँ जंगल के राजा बनने योग्य हूँ, मैं ही क्या हूँ जंगल के राजा बनने योग्य हूँ। तो आप कहेंगे सर अहमेव का मतलब मैं ही, ऐसा क्यों सर, तो देखिए ना अहम का मतलब मैं, और देखिए एव का मतलब पढ़ाए ना अभी, एव का मतलब होता है ही, संधियों के अहमेव बन गया है, अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है बउआ, ठीक तो मैं ही जंगल के राजा बनने योग्य हूँ। इस पे बंदर कहता है कि अरे अरे एवं वा, मतलब कि बंदर कहता है कि अरे अरे कहता ही रहता है, ठीक है, शीघ्र में गजस्यापी पुच्छम विद्व वृक्षा वृक्षोपरी आरोहिते, और इसी में क्या करता है जैसी अरे अरे कहता ही है तब तक में बंदर क्या करता है, कोई और बंदर आके हाथी के भी पूंछ को खींच कर क्या करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, ये बंदर का करतूत था। अब जब हाथी के पूंछ को खींचा जाता है किसके द्वारा, बंदर के द्वारा, तब बंदर हाथी क्या करता है सुनिए, गजम तम वृक्ष में स्वसुडेन आलो आलोडीय यु तू मिक्षति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्य अन्यम वृक्षमारोहिति, यानी कि जैसे ही हाथी के पूंछ को खींचकर वो जो बंदर पेड़ पे चढ़ता है तो ये हाथी जो है क्या करता है तो स्वसुडेन मतलब कि अपने सुर से क्या करने की कोशिश करता है तो आलोडीय तुम यानी कि आलोडीय तुम और इच्छति दोनों यहाँ पे संधियों के बना है, आलोडियम सॉरी क्या बना है आलोड यु तुम इच्छति,
और दोनों को तोड़िएगा तो आलोड यतुम अलग और इच्छति अलग, यानी कि अपने सुर से क्या करता है तो हिलाने की कोशिश करता है, किसको तो वृक्ष में यानी कि पेड़ को, लेकिन बंदर जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तुरंत फटाक से चढ़ जाता है। एवं गज वृक्षात वृक्षम प्रति धावंत दृष्टवा सिंह अपि हस्ति वदति च, और जैसे ही एक पेड़ से मतलब मान लीजिए कि हाथी का मान क्या लीजिए हाथ जो बात है सो बता रहे, हाथी का पूछ खींच के बंदर को पेड़ पे चढ़ा तो हाथी सोचा कि पेड़ को सूर में लपेट के खींच के फेंक देंगे, ठीक, तब तक में बंदर क्या करता है दूसरा पेड़ पे चढ़ जाता है। अब जैसे ही बार बार ऐसा करता है और हाथी दौड़ता रहता है परेशान होता रहता है, इसको देखकर सिंह जो है वह अपि हस्ति वदति च, शेर जो है वह हंसता है और कहता है, सिंह क्या कहता है सुनिए, भोग अज माम पेव मे वा तुंदन एते वानर, कि हे हाथी इसने क्या किया है तो माम यानी मुझे भी, माम मतलब मुझे भी, अतुदन का मतलब तंग किया था, और इस ये बंदर जो है इसने मुझे भी, इन बंदरों ने एते यानी कि ऐसे ही क्या किया था, तंग किया था, ऐसे ही क्या किया था, तंग किया था। इस पे बंदर कहता है कि एत समादेव तू कथामी यद महे यद यदमेव योग्य वनराज पदाय येन विशाल कायम प्राकर्मिनम भयंकरम चापी सिंह गजं वा प्राजेतुम समर्था अस्माकम जाति अतः वन्य जंतु नाम रक्षा एवं क्षमा। यानी कि बंदर कहता है कि एतस्मादेव तू कथयामि यदमेव योग्य, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ही जंगल के राजा बनने के पद के क्या हूँ, योग्य हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है तो येन विशाल काय मतलब कि बड़े शरीर वाला पराकर्मी भयंकर चापी सिंह को और क्या किया है गज यानी कि हाथी को, दोनों को मैंने पराजेतुम यानी कि पराजित किया है, दोनों को मैंने हराया है। यानी बंदर जो है ये लॉजिक देता है कि भाई जंगल में तो दो ही बलवान है, एक हाथी और एक शेर है, और दोनों को तो हम हरा दिए, अब दोनों का हम परेशान किए, दोनों हमको कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए जो है अतः वन्य जंतु नाम रक्षाय वयमेव क्षमा, इसीलिए वन के राजा बनने योग्य मैं ही हूँ, और मैं क्या हूँ तो वन्य जंतु नाम रक्षाय वयमेव क्षमा, और मैं पूरे वन क्षमा का मतलब यहाँ पे माफ़ी मांगने नहीं होगा, क्षमा का मतलब है समर्थ है, कैपेबल है, और मैं वन्य के जितने भी जंतु नाम है यानी कि जितने भी प्राणी है उसके रक्षा करने के लिए मैं समर्थ हूँ और मैं रक्षा कर सकता हूँ। अब एतत् सर्वम श्रुत्वा यानी कि इस सभी चीज़ों को सुनकर नदी मध्य स्थित, नदी के बीच में स्थित एक बक एक बगुला है, अब वो बोलता है बक यानी कि बगुला, अरे अरे माँ बिहाय कथमन्य कोपी राजा भवतुम महर्षि, मुझ वो कहता है कि अरे अरे माँ बिहाय, माँ बिहाय बोल दिए स्टूडेंट, अरे अरे मतलब अरे अरे माम बिहाय, माम बिहाय का मतलब ये हो गया माम मतलब मेरे मुझको, बिहार यानी कि छोड़कर कोई भी यहाँ पे राजा बनने योग्य नहीं है, ठीक है, मैं ही यहाँ का क्या हूँ तो राजा हूँ, और सब अपना आपको राजे बता रहा है इसमें, और सब अपना आपको लॉजिक दे रहा है कि ई लॉजिक से हम राजा हैं तो ऊ लॉजिक से हैं। अहम तू शीतले जले बहु काल प्रयत्नम अविचलम ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ स्थितवा सर्वेशा रक्षाया उपायान चिंतयामि, और यह कहता है कि मैं इसलिए राजा बनने योग्य हूँ अहम तू, क्योंकि मैं शीतले जले, आपको पता है कि बगुला शीतल जल में रहता है, तभी ना विद्यार्थी के पंचलक्षण में बको ध्यानम याद है, यानी बगुले की तरह ध्यान लगाकर पढ़ना है, मैं शीतल जल में चुपचाप बहु काल प्रयत्नम यानी कि बहुत लंबे समय तक क्या हो रह सकता हूँ अविचला ध्यान मग्न, बिना विचलित हुए मतलब बिना परेशान हुए बिना डिस्ट्रैक्शन के मैं क्या कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, स्थित प्रज्ञ मतलब वहाँ पे रुक के सर्वे साम रक्षाया उपायान चिंतयास्यामि मतलब कि वहाँ पे सभी के रक्षा का मैं क्या करूँगा उपाय को सोचूंगा, और योजनाम निर्मय च स्वसभायाम विविध पदमलम कुर्मानो जंतु भिक्ष मिलित बा रक्षोपायान क्रियान वितान कारस्यामि अतः अमेव वन राजपद प्राप्त योग्य, और इस पे कहता है कि मैं उपाय को सोचूंगा योजना बनाऊंगा और मैं अपनी सभा में जंगल के सभी प्राणियों को क्या करूंगा
जगह दूंगा और सभी के साथ मिलकर मैं सबका भला करूंगा और क्रियान्वितान मतलब कि योजना बनाऊंगा कि कैसे रक्षा किया जाए। इसीलिए वन राज्य पद प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए मैं ही सबसे ज़्यादा योग्य हूँ, कैपेबल हूँ। तो देखिए बगुला जो ही नमूना निकला, ये जो है वो मोदी जी ने कहते सबका साथ सबका विकास, तो ये जो है सबका साथ सबका विकास करने लगा, ये जो है मतलब मिला जुला सरकार बनाने लगा, गठबंधन का सरकार। कैसे? तो यह क्या किया कि हम तो राजा बनेंगे और अपना क्या बनाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे। स्वसभायाम का मतलब होता है कैबिनेट, दरबार जो भी कहिए। तो उस स्वसभायाम में मतलब कि अपने सभा में मैं सबको जगह दूंगा। अरे देखिए मतलब मंत्री परिषद का गठन करेगा और सबके बारे में सोच के वहाँ रक्षा करेगा। इस पे मोर कहती है, क्या कहती है सुनिए, वृक्षो परित सा तट हास पूर्वकम, यानी कि वृक्ष के ऊपर मोर है वो हंसते हुए, बीरम बीरम यानी कि बीरम बीरम आत्म साल घाया किम न जानसियत, अरे रुक जाओ अपनी क्या करो, तो आत्मशाला घाया मतलब कि अपनी प्रशंसा खुद मत करो, रुक जाओ किम न जानसियत, क्या मैं नहीं जानते हो कि, मतलब कि मयूर जरूर इसके बारे में कुछ शिकायत करने वाली होगी, इसलिए कहते हैं कि किम न जानसियत, क्या नहीं जानते हो कि, क्या आगे बोलती है मयूर। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं, तो मयूर जो है वो कहता है कि किसको कहता है, तो मयूर जो है जैसा कि आपको बताएं कि अभी किसका बातचीत चल रहा है, तो मयूर और बकुला का बातचीत चल रहा है। तो कहता है कि यदि न श्यान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्ण धारा जलौधव विपल वेते है नौरीवी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यदि का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे, यदि सयात का मतलब होता है हो, नरपति का मतलब होता है क्या राजा, ठीक है किंग, सम्यक नेता का मतलब अच्छा लीडर, प्रजा का मतलब आप समझ ही रहे प्रजा जनता, तत् का मतलब होता है उससे, अखंड धारा का मतलब होता है कान तक जल, नहीं कहते नाक तक पानी है उसी तरह कान तक पानी, जलौघा का मतलब होता है सागर में, और विपल वेता का मतलब होता है डूब जाए, और यहाँ पर नौ का मतलब हुआ क्या हुआ, तो नौ का यानी कि नाव जो आप बोले जहाज बोले। तो मयूर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यदि अगर अच्छा न हो, क्या ना हो, तो नरपति अगर यदि अच्छा राजा न हो तो, और यदि अच्छा नेता न हो तो प्रजा उसी जहाज की तरह बहुत कान तक के पानी में ही डूब जाएगी, जैसे इस संसार में हम लोग डूब जाएंगे। तो ये तो पूरा हम तोड़ तोड़ के समझाए तो आप लोग को समझाए, सिंपल भाषा में इसको समझाते हैं, इस ये जो श्लोक कह सकते हैं इसको, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कहा गया है कि अगर अच्छा नेता, अच्छा राजा, अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री अगर ना हो तो उसकी प्रजा क्या होगी, संसार में मतलब डूब जाएगी। और एग्जाम्पल दिया कि ऐसे जैसे एक जहाज जो है कान तक भरा पानी में ही अगर डूब जाए, अगर हम कहें कि जहाज है नाव है और पानी है थोड़ा ही सा उसमें नाव डूब जाए, अगर अच्छा नाव चलाने वाला ना हो तो कम में पानी में डूब जाएगा, तो अगर अच्छा नेता ना होगा तो इस संसार में उसका प्रजा का कुछ भी नहीं होगा, प्रजा जो है भी डूब जाएगी। पानी में डूबने का बात नहीं कहा गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। फिर मयूर कहता है कि को न जानाती तब ध्यान अवस्था नाम, को न जानाती तब ध्यान अवस्था नाम, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे ध्यान को कौन नहीं जानता है, तुम्हारे ध्यान को कौन नहीं जानता है, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन बरकान मीनान छलेन अधिगृह क्रूताया भक्ष्यसी। और जो तुम कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ रहते हो, एकदम चुपचाप ध्यान लगा के रहते हो, अगर और तुम जो हो यही ध्यान लगा के रख, किसको नहीं पता है कि तुम ध्यान लगा के चुपचाप रहते हो और तुम क्या करते हो, तो बेचारी मछलियों को छल पूर्वक खा जाते हो। आपको पता होगा कि बकुला जो है पानी में ऐसा साइलेंट खड़ा रहता है, इतना मतलब कि अपने काम पे फोकस रखता है, अपने शिकार पे, कि मछली को पता भी नहीं चलता है कि बकुला एकदम शिकार के लिए तैयार है, और बकुला क्या करता है मछली को बड़े बेरहमी से क्या कर जाता है, खा जाता है। ठीक है, धिक त्वाम तब करनाथ तू सर्वम पक्षी कुल मेवा मानितम जातम। और इस पे मोर कहता है कि तुम्हारे पे क्या है, तो धिक्कार है, त्व करनाथ तुम्हारे कारण ही जितने भी पक्षी कुल है मतलब पक्षी समाज है, वह उसका क्या किया जाता है, तो अपमान होता है और पक्षी कुल अपने आप को अपमानित महसूस करता है, क्योंकि बकुला भी एक क्या है स्टूडेंट, बर्ड ही है यानी पक्षी ही है। तो उस पर मोर कहता है कि तुम जो मछली को खा जाते हो बेरहमी से, इससे पक्षी समाज क्या है पूरी तरीके से अपमानित है, तुम्हारे ही कारण। उसके बाद अब स्टूडेंट बंदर जो है फिर से आ जाता है कहानी में।
अब बंदर कहता है उससे पहले सगर्भम, सगर्भम का मतलब हुआ एकदम गर्व के साथ, प्राउड के साथ बंदर कहता है कि अतिएव कथयामि यत अहमेव योग्य वन राजा वन राज पदाय। बंदर कहता है कि अतिएव कथयामि यानी इसीलिए कहता हूँ कि अहमेव योग्य यानी कि मैं ही योग्य हूँ, किसके लिए, तो वन राज पदाय यानी कि राजा बनने के लिए, राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राजभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। और बंदर जो है कहता है कि वन के सभी जीव यानी कि वन के जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या करो, तो शीघ्र करो, क्या चीज़ के लिए, तो मेरे राजभिषेक के लिए, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक, मतलब बंदर जो है अपने आप यहाँ पे कूद रहा है बिना मतलब का, सब अपना अपना आप देख ही रहे कि तारीफ में लगा हुआ है, क्या तारीफ करूँ उसकी जिसने तुझे बनाया, तो सब अपना अपना तारीख में लगा हुआ है, सब अपना अपना राजा बनने के लिए तैयार है और सब अपना अपना लॉजिक दे रहा है। फिर मयूर कहता है कि अरे वानर तुर्स्निम भव कथम तो अयोग्य बन राजपादाय, पश्यतु मम शिरसी राजमुकुटमीब, मम शिरसी राजमुकुटमीब शिखाम स्थापयता विधाता एवाह पक्षी राजा कृत। अरे फिर मोर कहता है कि अरे वानर मतलब कि रे बंदर तुर्स्निम भव, तुर्स्निम भव का मतलब होता है चुप हो जाओ, कथम त्वम योग्य तुम कैसे योग्य हो, किसके लिए, तो वन के राजा बनने के लिए। पश्यतु देखो मम शिरसि यानी कि मेरे सिर पर क्या है, तो राज मुकुटमीव शिखाम स्थापयता विधाता। आप देखते होंगे कि मोर के सिर पे एक इस प्रकार से मुकुट टाइप का बना रहता है, मोर के सिर पे देखते हैं इस प्रकार से मोर के सिर पे क्या बना रहता है, मुकुट टाइप से बना रहता है, इसीलिए मोर कहती है कि भाई बन मेरे सिर पे तो विधाता यानी कि भगवान ने ही क्या किया है, तो मुकुट बना के भेजा है, मैं पक्षीराज हूँ और मैं ही क्या हूँ, तो राजा बनने योग्य हूँ और भगवान ने मुझे पक्षियों का भी तो राजा बनाया है। अतः वने निवसंतम माँ वन राज रूपे नानी द्रष्टुम सज्जा भवंतु अधुना यतः कथम को पयन विधातु निर्णय अन्य अर्था करतुम क्षमा। और फिर मोर कहता है, सॉरी मोर जो है मोरनी कहती है कि अतः वने निवस क्या लिखा हुआ है, अतः वने निवसंतम मा मतलब कि इसलिए वन में निवास करने वाले मुझको जंगल के राजा के रूप में तुम लोग द्रष्टुम सजा भवंतु अब देख सकते हो। और उसके बाद पक्षी ये मोरनी कहती है कि यत कथम को कोपयन्य विधातु निर्णय अन्यथा करतुम क्षमा, और मुझे राजा बनाओ और ये मेरा निर्णय नहीं है, ये किसका निर्णय है, तो विधातु निर्णय यानी कि भगवान ने ही मेरे सर पे मुकुट बना के इसीलिए भेजा कि मैं राजा बनूं, और इसको तुम लोग नकार नहीं सकते हो, कैसे इस बात को तुम मना कर सकते हो, ये किसका निर्णय है, तो स्वयं ईश्वर का निर्णय है। उस पर कौआ कहता है कि सौ व्यंग गयम का मतलब हुआ, मतलब कि मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए, अरे अहिभूक का मतलब हुआ सांप खाने वाले, अरे सांप खाने वाले नृत्य अतिरिक्तम का त्वम विशेषता यत त्वम वन राज पदाय योग्यम मन्यमहे वयम। यानी कि ये जो कौआ है ये कहता है कि अरे सांप खाने वाले नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारे पास यानी डांस के सिवा तुम्हारे पास क्या और विशेषता है जो तुमको वन राज हम लोग बनाए और तुमको हम वन का राजा मान लें। इस पे मयूर कहता है कि यत मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना, यत मम नृत्यम यानी कि यह जो मेरा नृत्य है डांस है ये कोई मजाक नहीं है, ये मैं प्रकृति की आराधना करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का जब समय होता है तो मोर नाचता है, ठीक है, मोरनी नाचे 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 छम्मा छम्मा होए, ठीक है, गाना सब आजकल चलता रहता है इंस्टा उंस्टा में, तो वही जो है मयूर जो है यानी कि मोर जो है कहता है कि मैं जो नृत्य करता हूँ यानी कि मैं जो डांस करता हूँ वो क्या है, तो प्रकृति की आराधना है। पश्य का मतलब हुआ देखो मम पिक्षानाम पूर्वम सौंदर्यम यानी कि मेरे जो पंखों है इसकी सौंदरता को तो देखो। आपको पता है कि मोर का क्या रहता है, पंख भी रहता है, जब डांस होता है तो पंख ऐसे एकदम खुल जाता है तो कितना अच्छा लगता है, तो उसी के सौंदर्य यानी कि दृश्य की मोर जो है तारीफ कर रहा है। पिक्षानुद घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित सना, और उसी वक्त क्या होता है मोर जो है पंख को खोलकर नाचने की मुद्रा में क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है, मतलब कि मोर जो है नाचने से पहले कैसे पंख खुल लेता है, ठीक उसी तरह यहाँ अभी हो चुका है।
उसके बाद मोर कहता है कि न कोपी त्रैलोक्य मत दृश्य सुंदर, मेरे जैसा तीनों लोक में, त्रैलोक्य का मतलब त्रिभाद ने पढ़े ना, तीन लोक में मेरे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जंतु न मुंह परी आक्रमणम करतारम तू अहम सौ सौंदर्यन नित्यं च आकर्षितम कृत्वा वनात् वहिष् करिष्यामि। और आपको पता है वन वन जब भी वन के जीव पर क्या होगा, आक्रमण होगा, तो मैं क्या करूंगी, अपनी सुंदरता से, अपने नृत्य से उसको आकर्षित करके जंगल के बाहर भगा दूंगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई गुंडा हमला करे तो कोई एगो सुंदर हीरोइन को नचा देना है और गुंडा से भाग जाए, वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एकदम क्या करूंगी, नाच दिखा दूंगी, सुंदरता दिखा दूंगी और वो जो है क्या कर जाएगा, यहाँ से फरार हो जाएगा। अतः अहम एव योग्य वन राज उपादाय, यानी कि वन के राजा बनने योग्य कौन हूँ, तो मैं ही हूँ। अब स्टूडेंट कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी में फिर से नए लोग आते हैं। एतस्मि मीननेव काले व्याघ्र चित्रको अपि नदी जलम पातु मागतो एतम विवादम श्रुणुतु वदत च। तो एतस्मि मीननेव काले, इसका मतलब हुआ इसी समय व्याघ्र चित्रको, व्याघ्र मतलब क्या हुआ, बाघ, और चित्र मतलब, चित्र का मतलब चीता, बाघ और चीता भी वहां पे नदी में क्या करने आते हैं, तो पातुम आगतो, यानी कि पातुम का मतलब हुआ पीने के लिए और आगतव का मतलब हुआ ये टूटेगा संधि में, आगतव का मतलब आना, यानी कि नदी जलम क्या पीने आते हैं, तो नदी का पानी पीने वहां पर आते हैं। और आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि यहां पर क्या है, तो जंगल का ढोलक पूर्व वाला सीन है और नदियां बह रही हैं। विवादम सुनु तू वदत च, और जैसे ही इन दोनों ने इस विवाद को सुना और तब उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला सुनी, व्याघ्र चित्र को बोलते हैं कि अरे किम वन राज पादाय सुपात्रम चियते, अरे क्या तुम लोग वन के राजा पद का चयन कर रहे हो, क्या राजा का चुनाव हो रहा है, एतदर्थ तू आम एव योग्य, और इसके लिए तो आम सॉरी एतदर्थ तू आवामेव योग्य योग्य, इसके लिए तो हम ही लोग क्या है, योग्य हैं। तो बाघ और चीता अपने बारे में कहते हैं, यस कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, और तुम लोग क्या करो, हम ही दोनों में से किसी को क्या कर लो भाई, चुनाव कर लो सभी सम्मति से। मतलब बाघ और चीता जो है आके कह रहा है कि हम ही दोनों में से किसी को चुन लो जिसको मन। फिर शेर बोलता है कि तुर्स्निम भवा भो, अरे चुप हो जाओ, तुर्स्निम का मतलब होता है चुप हो जाओ, युवामापि मत दृश्यो भक्षको न तू रक्षको, तुम दोनों भी क्या हो, तो मेरी तरह क्या हो, तो भक्षक हो। मतलब कि अब बाघ चीता भी तो जंगले के प्राणी को ना मार के खाता है, मांसाहारी होता है ये सर, और तुम रक्षक नहीं हो, एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, और एते मतलब यहाँ पर वन्य जीव यानी कि जो जंगल के जानवर है वो भक्षक को अपना रक्षक पद के, रक्षक पद का मतलब हुआ रक्षक पद योग्यम यानी रक्षा करे यानी राजा, तो भक्षक को वो लोग राजा के रूप में नहीं मानते हैं। अतएव यानी इसीलिए विचार विमर्श प्रचलित, इसीलिए यहाँ पर क्या चल रहा है, तो विचार विमर्श चल रहा है। उसके बाद आगे कहानी में और ट्विस्ट आता है, बगुला बोलता है कि सर्वथा सम योगतम सिंह महोदयन, सर्वथा सम योगतम यानी कि शेर महोदय आपने एकदम ठीक कहा, वस्तुतः एव सिंहेन बहु काल प्रयत्नम शासनम कृतम परम धुना तु कोपी पक्षी एव राजेति निश्चितेव्यम अत तु सनशीलेश या अस्यापि अवकाश एव नास्ति। यानी कि जो बकुआ है यानी कि बगुला है वो कहता है कि वस्तुतः एव सिंहेन बहु काल प्रयत्नम शासनम, यानी कि हाँ निश्चित तौर पे वास्तव में शेर जो है उसने बहुत समय तक शासन किया है, लेकिन अब क्या होगा, तो अब कोई पक्षी ही शासन करेगा और जो नेक्स्ट राजा रहेगा वह कोई पक्षी ही रहेगा। और यहाँ पे इसका मतलब हुआ है स्टूडेंट थोड़े से भी संदेह का, मतलब कि बगुला जो है अब कहता है कि शेर ने बहुत समय तक राज कर लिया लेकिन अब कोई पक्षी ही राजा रहेगा, ठीक है, और इसमें कोई भी क्या है, तो संदेह नहीं है, संसितिलेश यापी यानी कि इसमें कोई भी अब संदेह तनिक सा भी नहीं। उसके बाद सर्वे पक्षी न यानी कि जितने भी वहाँ पे पक्षी रहते हैं, जैसे मोर हो गया, बकुला हो गया, कौआ हो गया, सभी पक्षी क्या करते हैं, सभी पक्षी जो है उच्च मतलब कि जोर जोर से अव्यय में अभी पढ़ाए हैं, आम आम कश्चित खग एव वन राजा भविष्यति इति, और सभी पक्षी क्या करते हैं,
एकदम जोर जोर से कहने लगते हैं कि हाँ 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 हाँ, नहीं वो होता था ढोलकपुर में, हाँ भाई हो, क्यों भाई हो, हाँ भाई हो, हाँ हाँ, कोई पक्षी ही राजा रहेगा, कोई पक्षी ही राजा रहेगा। तो बकुला जो है दिमाग लगा देता है, सोचता है कि वो मामला में सब कूद रहा है, तो पहले काट छाँट के लाते हैं पक्षी में कि हाँ पक्षी राजा होगा। तो इससे क्या हुआ कि हाथी शेर ये सब बंदर ये सब हट जाएगा मुकाबला से, फिर पक्षी में हम लोग अपना फरिया लेंगे कि कौन रहेगा। अब आगे कहानी बढ़ता है, सुनिए। उसके बाद है स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि सर्वे पक्षी ना, यानी कि सभी पक्षी क्या कहते हैं कि हाँ भाई हो, हाँ भाई हो, जो राजा बनेगा वो कौन होगा, तो पक्षी ही कोई होगा। परम कश्चिदपि खग आत्मनः बिना नायम कमपि अस्मैपदा योग्यम चिंतयति तहरी कथम। लेकिन सभी पक्षी में भी अब लड़ाई होता है, क्योंकि आपको पता है कि परम कश्चिदपि खग आत्मनः, यानी कि सभी पक्षी क्या करते हैं तो अपने ही तारीफ में लगे रहते हैं, कोई भी इस पद के लिए किसी दूसरे को योग्य नहीं मानता है। सभी पक्षियों को, कौआ को लगता है हम योग्य हैं, बकुला को लगता है हम योग्य हैं, मोर को हम हैं, कौआ कोयल सब हम हैं, हम हैं, ठीक है। आई असली बात है कि चाय में चीनी कम है, ठीक। तहरी कथम निर्णय भवे तदा तय सर्वे गहन निंद्रा याम निश्चयतम स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष विचारितम यदेश। यानी कि उसके बाद क्या होता है कि सभी पक्षी का नज़र किसके तरफ जाता है, तो गहन निंद्रायाम यानी कि गहरे निंद्र में सोए हुए किस पे, तो उल्लू कम यानी उल्लू पे जाता है। और सभी लोग विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं कि भाई उल्लू को ही राजा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यह आत्मशलाघीन मतलब कि अपनी आत्म प्रशंसा से रहित है, इसने अभी तक कुछ भी अपनी तारीफ नहीं की है। उसके बाद है पद निर्लिप्त, यानी कि इसको पद का भी लालच नहीं है, उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, इसीलिए उल्लू ही क्या होगा तो हमारा राजा होगा। परस्परमादिशत अंति च तदा नियंताम निपाभिषेक संबधीन संभार इति। और सभी लोग परस्पर क्या, इसको तोड़ के पढ़िए, परस्परमादिशंति यानी आदिशंति, ठीक है। सभी लोग परस्पर यानी अपने आप में आदेश करते हैं कि जाओ भाई क्या लिया, तो निपा का मतलब राजा, निपा अभिषेक, यह संधि हो गया टूटेगा, निपा के अभिषेक के लिए यानी राजा के अभिषेक के लिए जितने भी चीज़ें हैं वो सब सामान क्या करो तो लेके आओ। वो सब संभारा का मतलब होता है सामान वस्तु, क्या करो तो सामान लेकर आओ, उल्लू को हम लोग राजा बनाते हैं। उसके बाद सर्वे पक्षिना सजाए गंतुमिच्छन्ति तहरी आन्यस्येव। और जैसे ही सभी पक्षी क्या करते हैं, तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तहरी मतलब तभी आन्यस्येव, अचानक ही यहाँ पे एक और मामला होता है। अब ये जो मामला है ये कौन करता है, तो ये करता है कौआ। कौआ करता है अट्टहासेन पूर्णेन स्वरेन, मतलब कौआ जो है एकदम मजाक उड़ाते हुए मतलब पक्षी सबके बात पे हंसते हुए कहता है कि सर्वथा युक्त मेतत यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाह सुक सारासाधिकेशु पक्षी प्रधानेशु विद्वानेशु दीवान दास्य उल्लू सॉरी दीवान दास्य करलाव वक्त अभिषेक कारर्थम सर्वे सजता। यानी कि तोड़ तोड़ के समझा रहे, टेंशन नहीं लीजिए। कौआ कहता है कि यहाँ पर तो सभी लोग थे, मतलब कौआ कहता है कि यह सर्वथा अनुयुक्त मेतत यन मयूर, मतलब कि यहाँ पे जो तुम लोग निर्णय किए हो, डिसीजन लिए हो कि उल्लू को राजा बनाए, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जानकार विद्वान लोग हैं, जैसे हंस है, कोयल है, चकवा है, तोता है, सारस है, ये सब पक्षी प्रधान इशु, ये सब प्रधान मेन पक्षी है, फिर भी तुम लोगों ने क्या किया, तो विद्वान इशु दीवान दस क्या लिखा हुआ है, दीवान दस्य यास्य, मतलब कि तुमने क्या किया, तो दीवान यानी कि दीवान मतलब कि दिन के अंधे में, उल्लू को आपको पता है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, दिन के अंधे में मतलब कि अंधा व्यक्ति को तुमने क्या किया, राजा बनाने का डिसीजन ले लिया, ठीक है। उसके बाद है पूर्णम दिनम यावत निंद्रायमान ऐसा कथम समान रक्षे सती। यानी कि कौआ कहता है कि पूर्ण दिनम यानी कि पूरे दिन ये क्या करता है, तो निंद्रायमान मतलब सोते रहता है, ऐसा कथम समान रक्षती, और ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तु वास्तव में ये क्या है, तो वास्तव में ये है स्वभाव रौद्रमय तुंग्रम, यहाँ पे होता है कि भयंकर स्वभाव होता है,
उल्लू का आप देखिएगा कि उल्लू का जो चेहरा रहता है वो गजबे रहता है। हम लोग का यहाँ पे एक पाइप है दूसरे के घर का, उसमें पानी निकलता है, तो उसमें उस पर लगभग रात्र में आपको हमेशा आपको एक उल्लू आके बैठ जाता है, ठीक वहाँ पे बहुत पेड़ पौधा है। तो उल्लू का स्वभाव देखिएगा तो आपको बड़ा डरावना लगेगा, तो वही बोला कि एकदम स्वभाव से क्या है तो डरावना है। उसके बाद क्या है तो इसी में लिखा हुआ है, देखिए इसी में लिखा हुआ है अति उग्रम, ठीक अति उग्रम संधि हो चुका है, इसीलिए आपको पहली संधि पढ़ा दिए। यहाँ पे देखिएगा मौ में जो है अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे अति आएगा, तो अति उग्रम का मतलब हो गया बहुत क्रोधी है, ये वाला जो है समझना जरूरी है। स्वभाव रौद्र मतलब कि अपने स्वभाव से क्या है तो रौद्र है, बहुत मतलब कि भयंकर है और बहुत क्रोधी है। क्या लिखा हुआ है कुरुम प्रिय वादिनम, यानी कि एकदम क्या करता है तो मतलब कि कुरुम मतलब निर्दयी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संधि है अप्रिय वादिनम, अप्रिय वादिनम का मतलब होता है अप्रिय बोलता है, मतलब उल्लू का बोली भी ठीक होता है नहीं, डरावना लगता है। उल्लुकम निपंतिम कृतवा कानु सिद्धि भर भीष्यति, और उल्लू को अगर तुम राजा बनाते हो तो इससे क्या होगा भविष्य में सिद्धि मिलेगा यानी कि सफलता तुम्हें मिलेगा, ये बात कौआ कहता है और उल्लू का भी पत्ता ये काट देता है। तथा प्रविशति प्रकृति माता, और तभी जो है प्रकृति माता का क्या होता है प्रवेश होता है। प्रकृति माता क्या कहती है सुनिए, प्रकृति माता कहती है कि इसने हम मतलब कि सबको प्रेम के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, माँ है तो प्यार दिखाएगी। भो वो प्राणी ना मतलब अरे अरे जीवो मतलब कि जितने भी लोग थे, लोग क्या थे जानवर थे। युवम सर्वे एव में संतति, युवा मतलब तुम, सर्वे मतलब सभी, एव मतलब ही यानी तुम सभी मेरे क्या हो तो संतति मतलब संतान हो पुत्र हो। कथम मिथ कलहम कुर्वंती, और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवेन अन्यो न आश्रित, और वास्तव में सभी जीव क्या है एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मर्थ हमेशा याद रखो, क्या याद रखो तो ददाति प्रति गृहनाति गृह मा मख्ययति पिक्षामी भोंकते भोज भोजयते वे चैव षड विधम प्रति लक्षणम। ये पूछता है प्रेम के छह लक्षण माता यहाँ पे बताती है, षड मतलब छह लक्षण बताती है। ये क्वेश्चन आंसर में पूछता है कि प्रेम का छह लक्षण क्या है, प्रेम का छह लक्षण क्या है, तो माता कहती है, माता क्या कहती है सुनिए, ददाति यानी कि जो देता है, ठीक है कोई भी व्यक्ति कुछ दे रहा है आपको, प्रतिगृहणाति आपसे लेता है, गुह माख्याति इसका मतलब हो गया कि गुप्त बातें को बताता है यानी कि आपको सावधान करता है, ठीक है। उसके बाद है पिक्षति यानी कि पूछता है, भोंकते भोज्यते यानी कि खाता है और खाने के लिए जोड़ता है, यही प्रेम के क्या है छह लक्षणम है। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त हो वो आपसे आपको कुछ देता भी हो लंच में, आपका भी लंच खाता हो यस सर, उसके बाद अगर कोई आप खतरे में हो तो सावधान भी करता हो जी सर, उसके बाद खाता हो और खाने के लिए चीज़ों को जोड़ता हो, पक्षी सबको अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, सब तो अपना बनाते हैं नहीं मतलब कि पेड़ में से तोड़ के खाएं दूसरे के लिए भी ले जाएं, अगर जिस भी व्यक्ति में ये है तो वो प्रेम के छह लक्षण होते हैं और वह व्यक्ति क्या है प्रेमी व्यक्ति है, वही प्रकृति के लिए सही है। इस प्रकार से माता कहती है ये प्रेम के छह लक्षण है, ये याद रख लीजिए बउआ, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन आंसर श्लोक दे के पूछेगा तो बस प्रेम के छह लक्षण पूछेगा यही आपको उतार देना है और आगे पीछे जो हो वो लगा देना है, बाकी बात खत्म। सर्वे प्राणी न संवेद स्वरेण यानी कि सभी प्राणी क्या करते हैं एक स्वर में बोलते हैं कि माता कथ्यति तू भवती सर्वथा सम्यक, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, भी बताएं माता आप जो कह रही हैं ये क्या है एकदम सही है, माता आप जो कह रही हैं ये एकदम क्या है सही है, आप सही बोल रही हैं। परम वयम भवतीम न जानीम, लेकिन परम मतलब परंतु, वयम मतलब हम लोग, भवतीम न जानती जानीम मतलब हम लोग आपको नहीं जानते हैं। भवताया परिचय का आपका परिचय क्या है, देखिए भवताया भवान नहीं यूज किया गया है, भवान और भवताया दोनों का मतलब होता है आप, भवताया स्त्रीलिंग में है, प्रकृति माता स्त्रीलिंग होगी ना, इसलिए भवताया परिचय का आपका परिचय क्या है।
प्रकृति माता बोलती है कि अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं कौन हूँ, तो प्रकृति हूँ, नेचर हूँ, और मैं तुम सभी की जननी हूँ, तुम सभी की माता हूँ। युवम सर्वे एव मे प्रिया, युवम मतलब क्या, तुम सभी मेरे लिए क्या हो, तो प्रिया हो, यानी कि तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। सर्वे सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विदते यथा सम्यम न तावत कलहेन समयम वृथा। और सर्वे सर्वे सर्वेषाम एव यानी कि सभी का मत कृते महत्व, सभी का महत्व है कब, हर एक समय पर हमारे लिए सबका महत्व है, यानी कि प्रकृति माता बताती है कि मेरे लिए उल्लू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शेर है, जितना जिराफ है, जितना घोड़ा है, जितना गधा है, सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और सभी का जो है समय समय पर मोल है। तो आपको ये बताना चाह रहा है कि देश में ही कोई भी जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है नेचर के सामने। कलहेन समय वृथा, और तुम सभी लड़ाई में समय मत बर्बाद करो, या पंतु अपुतु मिलित्वा एव मोदेभेयम जीवनम च रस्यम कुरुधम, और बल्कि मिलकर प्रसन्न होकर जीवनम च रसम जीवन का रस यानी खुशी लो, तथा कथितम, और कहा भी गया है, मतलब ये प्रकृति माता की कहना है, तथा कथितम यानी कहा भी गया है कि प्रजा सुखे सुख राज्य, यानी कि प्रजा सुख सुखे सुखम राज्य, यानी कि प्रजा के ही सुख में किसका सुख है, तो राज्य यानी कि राजा का सुख है। प्रजा नाम च हित हितम, और प्रजा के ही हित में राजा के हित होता है, और यहाँ पे नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तु प्रिय हितम, और राजा का अपना कोई भी हित प्रिय नहीं होता, प्रजा का हित ही उसका प्रिय होता है। यानी प्रकृति माता समझिए कहती है, मतलब ये यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्रकृति माता कहती है, मतलब उसी में रेफरेंस दे के लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कि माता एक एग्जाम्पल देती है, कहती है कि असली राजा वही है जो अपना सुख न देखे, प्रजा खुश है तो खुश है। अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, प्रजा कह रही है कि भैया आप यहाँ पे एक रोड बनवाओ, और आपका मन नहीं है लेकिन प्रजा का मन है, तो आप बना देते तो आप सही राजा है। इसीलिए कहा गया कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा के हित में राजा का हित है, राजा का कुछ भी प्रिय नहीं होता, प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय होता है। उसके बाद अपिचम एक और कहावत है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एक और कहावत है, क्या कहावत है सुनिए, अगाध जल संचारी न गर्भम यति रोहिती। आप देखते हैं कि अगाध मतलब हुआ अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, जल संचारी का मतलब हुआ जल में घूमने वाली, गर्भम का मतलब हुआ गर्भ न करना, कौन, तो रोहित, रोहित नाम का मछली होता है, रोहू मछली खाए हुए हम तो मांसाहारी नहीं शाकाहारी है, रोहू नाम का मछली होता है, तो यही माता कहती है कि रोहू नाम का जो मछली होता है वह कभी भी घमंड नहीं करता है, अगाध पानी मतलब कि एकदम अनंत पानी है, गंगा में आप देखिएगा कितना गंगा जी में पानी रहता है, उसमें रोहू कभी भी मतलब कि डूबता नहीं, एकदम तैरता रहता है। वही माँ कहती है कि जिसके अंदर नॉलेज रहता है वो कभी भी घमंड नहीं करता, लेकिन तुम देखते हो कि अंग गुष्ठो दक मात्रेन सफरी फुरफुराते, और जो अंगूठे यानी कि अंगूठी में समा जाएगी वह जो छोटी मछली होती है सफरी मछली, वह हमेशा फुरफुराती रहती है। सफरी मछली सर क्या, यूपी बिहार में उसको पोठिया मछली के नाम से जाना जाता है। तो ये माता कहती है कि जो रोहू बड़ी मछली होती है, इतने बड़े बड़े समुंदर में चलती है, लेकिन वह कभी भी अपने घमंड अपने पे नहीं करती है। अच्छा, आपको समुंदर में तैरने के लिए छोड़ दे, आप तैरिएगा, नहीं, रोहू मछली तैर रही है तो सर मछली है तो तैर रही है, नहीं, उसके अंदर कुशलता है, उसके अंदर गुण है, तैरने का भी एक गुण ना होता है जी सर, तो रोहू कभी घमंड नहीं करती कि हमारे अंदर इतना गुण है, लेकिन आप देखेंगे पोठिया मछली जो एक बाल्टी पानी में खूब फर करती रहती है। तो वही है एग्जाम्पल कि अपना पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए सबको। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, अब लास्ट में आपको ले चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद माता कहती है कि अतः भवंत सर्वेपि सफरीवत एक एक से गुण से चर्चा भी है, और तुम लोग क्या करो, सभी जो आदमी हैं मतलब सॉरी सभी मतलब यहाँ पे सर्वे जानवर जो है, तुम लोग क्या करो, छोटी मछली की तरह एक एक करके गुण का चर्चा मत करो कि हम इसमें बेस्ट है, हम उसमें बेस्ट है, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य है वन रक्षा है च प्रयत्नम, तुम लोग मिलकर किसकी सौंदरता को बढ़ाओ, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाओ, और वन की रक्षा करो, वन की रक्षा करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, और सभी लोग मिलकर प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं,
और दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायति, और सभी लोग संकल्प लेते हैं और गाना गाते हैं। गाना होता है, गाना क्या होता है नीचे है कि प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवाद विवाद त अन्योन सह सहयोगिन लाभ से ताम प्रयाजते। और गाना यहाँ पर होता है कि प्राणी नाम, प्राणी नाम का मतलब हुआ प्राणी, जायते का मतलब होती है, परस्पर विवाद का मतलब आपसी झगड़ा, यानी कि उसके बाद अन्योन सहयोगेन का मतलब होता है एक दूसरे के हेल्प से, लाभेस्ताम का मतलब होता है लाभ होना, और प्रजयते का मतलब होता है यानी सभी लोग गाते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने से हमारा ही नुकसान होता है, इससे कोई भी लाभ नहीं होता, अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो उसका ही लाभ होगा। और ये बात बताया जाता है, अगर मान लीजिए कि 10 इंसान आ जाए, कोई दो जात मिल के लड़ने लगे, धर्म मिल के लड़ने लगे, उसे किसका नुकसान होगा, दुगो उसका मरेगा, दुगो इधर मरेगा, दुगो उधर मरेगा, ठीक। तो मिलजुल कर रहने से क्या होगा, लाभस्ताम प्रयाजते, मिलजुल कर रहिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया चैप्टर समाप्त। सभी प्रकृति माता से वादा करते हैं कि माँ अब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाएंगे और वन की रक्षा करेंगे, ठीक है। वेल मम्मी जी, हम लोग नहीं करेंगे अब झगड़ा, इज द सामने है कोई लफड़ा, इज द थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर पे। तो स्टूडेंट अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का जब बनाइएगा बोर्ड के एग्जाम में, तो अचानक आप क्वेश्चन देखिएगा तो घबरा जाइएगा, क्योंकि देखने में बड़ा अजीब लगता है, लगता है कि नहीं यस सर, आ यहीं पर इसको छोड़ के भाग जाइएगा तो हो गया आपका नंबर ऐसे ही कट गया। क्वेश्चन से लड़िए भिड़िए, अपने आप जीत जाइएगा। आराम से देखिए, आप लोग का क्या है कि जैसे एक पदेन बना रहे हैं, अब पूर्ण वाक्य का टेंशन नहीं, एक पदेन से भेंट कर रहे हैं तो उसी को हराएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप देखिए कि जो पैसेज दिया हुआ है ये आपके मदद के लिए दिया हुआ है, कितना बड़ा बात है। CBSE में ही ऐसा होता है, स्टेट बोर्ड में सारा क्वेश्चन आंसर खुद से याद करके जाना पड़ता है। स्टेट बोर्ड बोल रहे हैं मतलब सरकारी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, ठीक है। इसमें कोई आपका सिलेबस उलेबस नहीं होता है, पूरा पढ़िए आराम से, ठीक, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग को तो इतना ज़्यादा सुविधा मिलता है। तो पैसेज को पूरा आराम से आप लोग क्या कीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। हो सकता है कि आपको मीनिंग ना पता हो, लेकिन कहानी का सेंटर क्या है, मेन क्या है, वो पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे है, गजतम वृक्ष में स्वसुडेन, स्वसुडेन सर, स्वसुडेन मतलब अपने सुड से, यस सर, याद आ रहा है कि बंदर जब गजा मतलब हाथी को तंग किया तो हाथी क्या कर रहा था, तो आलोडी यतुम यानी कि पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदर एक पेड़ से दूसरा पेड़ पर चला जा रहा था, यस सर। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम, और जैसे ही हाथी एक पेड़ से, सॉरी, ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा रहा था, हाथी दौड़ रहा था, इसको देखकर कौन हंसता है, तो शेर हंसता है, याद आया, यस सर, वही शेर और बंदर की कहानी है, और इसमें एक बकुला वाला नया ऐड कर दिया है, ठीक। तो ये क्या करता है, कभी कभी आगे पीछे भी ऐड कर देता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांस है, यहाँ पे एकदम सीरियल से ऐड किया है। शेर कहा हाथी को कि रे ऐसे हमको भी तंग किया, फिर बंदर अपना अपना बड़ाई जराई सिराई किया, फिर बकुला आ जाता है और अपना गुणगान गाता है, यही वाला कहानी है। अब एक पदेन पढ़िए, एक पदेन है कि स्थित प्रज्ञ इव क स्थिति भक्ति, यानी कि स्थित प्रज्ञ मतलब कि शांत से फोकस करके कौन रह सकता है, तो आपको कहानी में यही याद है कि बकुला बोला हुआ है कि मैं क्या रह सकता हूँ, तो स्थित प्रज्ञ स्थितवा, तो जिसको अगर नहीं भी पता वो भी देखिए, स्थित प्रज्ञ जहाँ होगा आंसर उसी के इर्द गिर्द होगा, तो स्थित प्रज्ञ यहाँ पे है ना, यस सर। तो क भक्ति, तो क का मतलब होता है कौन, तो जरूर कोई ना कोई आदमी रहा होगा, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ ही रहा होगा, तो ये तो नाटक वाला चैप्टर है, तो बीच में तो नाम पता है नहीं, जो चीज़ है जोन बोला, यानी बगुला बोला स्थित प्रज्ञ, तो बगुला ही स्थित प्रज्ञ है, तो क्या हो जाएगा, पहला का आंसर कह से है, तो क्या हो जाएगा, बका हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, नो सर। सर एक बार और एक आराम से बता देंगे, स्थित प्रज्ञ इव क स्थिति भक्ति, यानी स्थित प्रज्ञ स्थिति किसका है, कौन फोकस करके रह सकता है, तो बकुला बोला हुआ है कि हम रह सकते स्थित प्रज्ञ, तो बका हो गया। उसके बाद है कि वानरा मतलब कि बंदर, बका मतलब बगुला, च कस में आत्मने योग्य मन्यते, मतलब दोनों किसके लिए अपने आप को योग्य मानते हैं। सर कैसे पता चला, पता चल गया, प्रैक्टिस करिएगा ना, यही सब जितना प्रैक्टिस करा देंगे ना क्वेश्चन आंसर, बोले ना, आप पूछ लीजिएगा अपने सीनियर या भाई बहन से जो भी टेंट दिए होंगे, कि बोर्ड में बैठिएगा तो आपको लगा कि क्वेश्चन हम ही टेट किए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। वानर बक च कस्मे आत्मनम योग्य मन्यते, अब बताइए वानर और बक
च मतलब और, तो आपको पता है कि संस्कृत में च मतलब और बाहर लगता है, बीच में नहीं लगता, यानी इसका मतलब है बानर और बगुला। कस्मे मतलब अपने आप को किसके योग्य मानते हैं, आत्मनम यानी कि अपने आप को किसके योग्य मानते हैं, तो यहाँ पर सारा लड़ाई किसके लिए है, राजा के लिए, तो किसके लिए योग्य मानते हैं, तो वन के राजा बनने के लिए, तो वन राज पदाय। कोई दिक्कत है हम? नो सर। उसके बाद है सिंह गजम वा पराजेतुम। सिंह गजम यानी शेर को और गजम यानी हाथी को पराजेतुम यानी पराजित करके, केसाम जाति, कौन सा जाति, आत्मनम समर्था मान्यते, अपने आप को समर्थ मानता है। तो आपको पता है कि कहानी में कौन सा जाति हराया था शेर और ये आपको हाथी को, तो आपको पता है कि कौन सा जाति हराया था, तो वानर हराया था, तो वानर लिखेंगे, लेकिन केसाम से है तो हम लोग यहाँ पे वानरा नाम करेंगे। हो गया, बन गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नो सर। अब चलिए पूर्ण वाक्यन पे। पूर्ण वाक्यन कहता है कि सिम किम, सिम कह रहे हैं, सिम तो मोबाइल सिम होता है, सिंह किम दृष्टा हस्ती, सिंह किम दृष्टा हस्ती, इसका मतलब हुआ कि शेरवा जो है क्या देखकर हंसा, तो आपको पता है कि क्या देखकर हंसा, तो देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, यानी कि पेरे पेरे दौड़ते हुए किसको, हाथी को देखकर सिंह जो है हंसता है, तो यही आप लिख दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर वदती च नहीं लिखिएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, तो यहाँ पे है कि सिंह जो है यानी शेर जो है हाथी को पेड़, अरे बंदर पेड़ से एक पेड़ से दूसरा पेड़, तो हाथी भी नीचे दौड़ रहा था, तो हाथी को देखते हुए दौड़ते हुए देखकर हंसता है और फिर बोलता है, तो क्या बोलता सोलता है यहाँ पे नहीं पूछा हुआ, सिर्फ हंसता, तो हंसते तक देंगे, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं, क को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंह यानी कि शेर, आगे पीछे तो जोड़ना ही है। जी सर, किम से क्वेश्चन है तो बस किम से आंसर देंगे, तो सिर सिंह जो है क्या, किम सिंह जो है किम दृष्टवा हंसती, सिंह किम दृष्टवा हंसती मतलब सिंह जो है क्या देखकर हंसता है, तो बस किमे का आंसर देना, आगे पीछे तो वही लगाना है, तो आगे लगा दिए सी क्या देखता है, तो गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम यानी कि गज हाथी को इधर उधर दौड़ता देखकर हंसता है, तो वही लिख देंगे गजम वृक्षात, आराम से बनाएगा तब होगा, वृक्षम वृक्षम प्रति प्रति धावंतम प्रति धावंतम दृष्टवा दृष्टवा हस्ती, यहाँ पे ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो। उसके बाद एक ख है, अगला है कि वही तो लिख दिया ना, गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा सिंह हस्ती, अपि हटा दिए, अपि वो पिछले सेंटेंस का कि शेर भी हंसता है, यहाँ पर सिंपल पूछा, लिख भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं लिखिए। वन्य जंतु नाम रक्षायक के आत्मनम क्षमा मन्यते, तो क्षमा का मतलब पहली बताएं कि कन्फ्यूज करने के लिए देगा, आपको लगेगा क्षमा मांग रहा है, नहीं नहीं, क्षमा का मतलब वो कैपेबल, तो वन्य जंतु की रक्षा के लिए अपने आप को कैपेबल कौन मानता है, तो आप कहेंगे कि सर बहुत सारा लोग मानता है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यही गड़बड़ कर दिया, इसमें मोर भी मानता है, तो मोर लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये पैसेज से आपको लिखना है, इस पैसेज में कौन अपने आप को मान रहा है, तो देखिए बंदर मान रहा है, जैसे ही हाथी को पराजित करता है बोलता है कि मैं ही क्या हूँ, समर्थ रखता हूँ कि मैं क्या करूँगा, सबकी रक्षा करूँगा, बंदर यह मानता है कि मैं सभी वन्य जंतु नाम का क्या करूँगा, तो क्षमा मतलब रक्षाय रक्षाय वैमेव क्षमा यानी कि मैं ही कैपेबल हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वानर। तो यहाँ पे रक्षा के है, जी सर के है, कौन मानता है, तो बस के पे आंसर देना, बाकी बात सेम वही चीज लिख देना है, पूर्ण वाक्य है तो पूरे वाक्य में देना है, पूरे वाक्य में आंसर देना है, रुकिए, वन्य जंतु नाम, वन्य जंतु नाम रक्षाय, ठीक है, के यानी कि वानरा, ठीक, बंदर जाति है तो बानरा, आत्मानम आत्मानम क्षमा मन्यन्ते, यही वाला जो है आप यहाँ पे आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर वाला को मिटा के इसको ऊपर कर देते हैं, तो के से क्वेश्चन है कि कौन मानता है, तब बंदर मानता है, आगे पीछे वही लगाएंगे, आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम आयुष कुमार है, आप कहाँ रहते हैं, हम सीतामढ़ी में रहते हैं, तो आपने क्या देखा कि वही चीज़ को हमने दोबारा लिख दिया,
समझे, तो वही बस के जगह वानर लगाइए, हो गया, इंड हो गया कहानी। उसके बाद है ऑप ग है कि वक कथम रक्षोपयान क्रियान्वितान कारिष्यति। वक कथम मतलब कि वक जो है बकुला कैसे रक्षा करेगा। तो देखिए ये यही तो स्मार्टनेस है, स्मार्टनेस मामी गौतम के फेयर लवली लगाने से नहीं आता, दिमाग लगाने से होता है। पूछ रहा है कि वक कैसे रक्षा करेगा, अब बताइए आंसर इसमें कहाँ मिलेगा। तो वक कैसे रक्षा करेगा तो वक ही ने अपना प्रस्ताव में बताया होगा, बंदर थोड़ी बताया होगा, सब तो एक दूसरे का बुराई कर रहा था, तो ये कैसे रक्षा करेगा, ये बड़ाई है, तो बड़ाई वही किया होगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वक के बारे में। तो वक यहाँ पे बोलता है, देखिए क्या करूँगा, वक बोलता है कि मैं जो हूँ, कहाँ गया भाई, देखिए हाँ यहाँ हूँ, ये बोलता है यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। वक वक बस आगे ऐड कर दीजिएगा, देखिए वक यहाँ पे ऐड करके स्वसभायाम पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखिएगा कैसे, तो वक आगे ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि वक कैसे रक्षा करेगा, तो आगे में वक रहना चाहिए। जैसे आयुष कैसे कैसा पढ़ाता है, तो आयुष अच्छा पढ़ाता है, तो आगे में आयुष रहना चाहिए, उसी तरह वक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही में वक बताया था कि अपने सभा में मैं सबको कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, कैबिनेट मंत्री नहीं बोला था, मतलब वही कि सभा में सबको बैठ के उपाय सोचूंगा सबके साथ मिलकर। उसके बाद यहाँ पे कारिष्यति से आया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एंडिंग भी कारिष्यामी पे हो गया जो गलत है, कारिष्यति इसमें बस आप चेंज कर दीजिएगा क्रिया में चेंजिंग, ठीक है, ये कारिष्यामी है, आमिया व आमा जी सारा वो कारिष्यति है, तो उसमें बदल दीजिएगा, अगर इसमें अस्थि रहता तो यहाँ भी लास्ट में अस्थि रहता, बाकी बाद वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है त्यकत्वा का पर्याय पदम यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है, पर्याय मतलब पर्यायबाजी, ठीक है, तो त्यकत्वा का मतलब होता है त्याग, ठीक, और त्याग का मतलब होता है बिहाय, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ होगा, बिहाय यूज हुआ होगा। देखिए बिहाय कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए माम बिहाय कथमन्य कोपी राजा भवतु महर्षि, ये बकुला जो बोलता है याद है, यस सर, अरे अरे माम बिहाय, बिहाय का मतलब छोड़कर, बताए थे ना, यस सर, यानी मुझे छोड़कर, ठीक, तो मुझे छोड़कर, त्यकत्वा का भी मतलब होता है छोड़कर, तो ये हो गया बिहाय, ये थोड़ा सावधानी से ढूंढिएगा। उसके बाद है माम पे व मे वा तुदुन एते वानर अस्मिन क्रियापदे किम, तो क्रिया का मतलब क्या हो गया बताइए, क्लास क्रिया नहीं, क्रिया का मतलब हो गया जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो, तो वानरा इसका आंसर लिख दे, सर गड़बड़ कर दीजिएगा, कैसे वानरा सर कर दीजिएगा, वानरा का मतलब होता है बंदर, ये कोई काम है सर, नहीं है, एते कोई काम है, नहीं, तो आपको शब्दार्थ में लिखे हैं, जब पढ़ाए हैं तब तोड़ के बताए हैं कि यह में भी पूरा कोई काम नहीं है, माम का मतलब होता है मुझको, ये टूटेगा पूरा, यस सर, अतुदुन का इसमें लास्ट में जो अतुदुन है ये वा में जुड़ के जो बना हुआ है अतुदुन स्वर संधि से, तो अतुदुन जो है इसका ये क्रिया हो गया, इसका मतलब होता है तंग किया जाना या तंग किया था, यहाँ पे लगेगा, ठीक, तो यह अतुदुन एक काम है, क्या काम हो रहा है, तो तंग करने का काम हो रहा है, तो यह अतुदुन यहाँ पे क्रिया, जैसे खेलना, तो खेलना से पता चला है कि कोई काम हो रहा है, इसी तरह अतुदुन से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अतुदुन क्या है, क्रिया है, माम मतलब होता है मुझको, इसलिए पूरा लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा, तोड़ना है, संधि में सब करा दिए हैं, आप नहीं पढ़े तो पढ़िए, और फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो सब तोड़ तोड़ के बता देंगे। शीतले इतस्य विशेष्य पदम चितवा लिखत, ये आपको हम शुरू से ही बता रहे हैं, स्टार्टिंग से ही, विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं फिर से बता देते हैं, तो विशेषण का मतलब हो गया जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए, और विशेष हर लेक्चर, कोई ऐसा लेक्चर नहीं जिसमें यह नहीं बताएंगे, अब विशेष का मतलब हो गया जिसके बारे में बताया जाए, जैसे हम आपके बारे में बोले अच्छा बच्चा, क्या बोले अच्छा बच्चा, तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है, जो विशेषता रहे, जो उसका गुण अवगुण जो भी कहिए रहे, वो हो गया विशेषण, और जिसके बारे में बताया जाए वो हो गया विशेष्य। तो यहाँ पे शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, तो ठंडा, और ये पूछ रहा है कि तस्य विशेष्य पदम चितवा लिखत,
पूछ रहा है विशेष से मतलब विशेषण दिया हुआ है, समझ गया बात को। तो शीतल एक विशेषण है, शीतल मतलब हुआ ठंडा, तो ये तारीफ हुआ। तो यहाँ पर शीतल किसकी विशेषता है, कौन ठंडा है, बंदर ठंडा है, सेठ ठंडा, नहीं, शीतल कौन है, तो शीतल है यहाँ पर जल, यानी जल। शीतल कौन है भाई, तो जल है। जल की विशेषता क्या है, शीतल है, तो शीतल क्या हो गया, विशेषण, ठीक। और जल क्या हो गया, विशेष से, क्योंकि जल के बारे में ही बताया गया कि शीतल है, तो जिसके बारे में बताया जाए वो क्या हो गया, विशेष है। और जो गुण रवगुण जो भी कहिए क्वालिटी रहे वो हो गया विशेषण। यहाँ पे शीतल ही क्या है, विशेषण, वो तो गोविंदा वाला फिल्म हो गया अक्षय कुमार का, ये शीतल ही अदिति, अदिति ही शीतल है, ठीक। तो यहाँ पे शीतले जले है, तो जल की विशेषता क्या है, शीतल है, ठंडा है, तो विशेषण क्या हो गया, शीतल, और जल क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो यहाँ पे विशेष ही पूछ रहा है, अब विशेषण दिया हुआ है तो पहले बता दिया विशेषण है, तो शीतल किसकी यहाँ पे तारीफ हो रही है, तो जल की तारीफ हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जल। लेकिन सर जल नहीं होगा, जले होगा, बिल्कुल सही, शीतले है, इसलिए जले, शीतलस्य रहता है तो जलस्य। और 99% केस में क्या होता है, विशेषण आगे और ठीक उसके पीछे विशेष, तो यहाँ आंसर विशेषण, विशेष वाला में अक्सर यहाँ पर मिलेगा। तो हो गया स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आपने बाबू सोना के साथ भी शेयर कीजिएगा, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसमें हिंदी PDF दे दिए हैं एक्सप्लान करके, और इसको टेलीग्राम पर दे देंगे एक्सप्लानेशन, ठीक है, सही से सर इंग्लिश बोलिए, हमको बहुत आता है, समझ गए, अब हिंदी इतना पढ़ाई हो रहा है मीडियम में, यस सर, सर ये तो CBSE मीडियम नहीं है, CBSE मीडियम ही है, बोलने का माध्यम हिंदी न है, हिंदी संस्कृत एक ही न है, तो क्या कर दिए, एक व्याख्या कर दिए अच्छे ढंग से, अब बताइए, अब आप बताइए व्याख्या का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, तो इसको टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, हो सके तो प्रो बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।